मेल फीमेल कपल्स सभी बुलाते हैं मुझे। मतलब आपको लोग मसाज कराने के बुलाते हैं? भैया आपका किस चीज का काम है? मैं एक स्पा थेरेपिस्ट हूँ, मैं बॉडी मसाज करता हूँ। बॉडी मसाज, ये तो अलग प्रोफेशन है भाई। नहीं, मैंने बेसिकली कोर्स कर रखा है। इसके भी कोर्स होते हैं? हाँ, इसके भी कोर्स होते हैं, 2.5 लाख इसके कोर्स थे। मसाज में पैसे भी खर्च करते होंगे लोग? मेरे 90 मिनट के 3500 रुपया फीस है। 3500? क्यों कर रहे हैं हम लोग बीकॉम बीबीए, लाखों रुपए लगा के वैसे मसाज का कोर्स करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए भी बहुत टफ होता है भैया। मसाज तो मजा आता होगा? नहीं नहीं तो टफ होता है? हाँ टफ है मेरे लिए, क्योंकि मैं पैन इंडिया सर्विस करता हूँ। आप पैन इंडिया सर्विस देते हो? मतलब आपको कोई कॉल करके बुला लेगा? हाँ जी। आप जो दिल्ली में हो, कोई आपको गोवा में बुलाएगी भैया मसाज करानी है? कपल मेल और फीमेल दोनों ही बुलाते हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो होती हैं पार्टीज वाली, या फिर जिनको पीरियड पेन हो रहा है, इसके लिए भी मसाज होती है? हाँ बिल्कुल होती है। पर हाँ यार भैया, कंट्रोल तो देखो है। जैसे आपने बोला ना कि मैं मसाज करता हूँ, मेरे दिमाग में पहले यही आया कि भाई साहब इतना मजा है भाई। तो भैया आपका मसाज सेंटर है या फिर क्या है? मैं प्रॉपर होम सर्विस करता हूँ। अच्छा, होम सर्विस? पैन इंडिया सर्विस रहती है मेरी तो। पैन इंडिया? और मैं ही जाके करता हूँ। मेरे से फीमेल मेल हर तरह के लोग मसाज कराते हैं। फुल बॉडी मसाज भी? हाँ फुल बॉडी मसाज रहती है। अरे भैया तो बड़ा डरावना सा नहीं है? नहीं नहीं डरावना क्यों? जो लड़कियां मुझे जानते हैं, जिनके साथ ट्रस्ट बन रखा है, अगर उनको पीरियड पेन हो रहा है, वो मुझे रात को 2-3 बजे बुलाती हैं। पीरियड पेन के लिए मसाज है? हाँ, उसके लिए भी मसाज रहती है। और किस किस के लिए मसाज रहती है भाई? बाकी मसाज चाहिए फिर स्पा में जाना पड़ेगा। तो आपका भी तो स्पा ही है? नहीं नहीं, स्पा नहीं, होम सर्विस है। अच्छा, आपकी होम सर्विस है जी। बड़े घर के लोग हैं जिनको प्रॉपर मसाज चाहिए, वो स्पा में जाते नहीं है, उनको रेट का डर है, हर एक चीज का डर है। मतलब आपने होम सर्विस कराया कि अगर आपको मसाज चाहिए जी, तो आप घर आके मुझे बुला लीजिए। हाँ, घर बुला सकते हैं आप मुझे। तो थोड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं। कोई तो यूं भी बोल देगा कि ये गलत तरीके से टच कर रहा है मेरे को। देखो, जो मसाज कराने के लिए बुला रहा है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई हमारे पड़ोसियों तक पुलिस आए। मेरा तो पूरी प्रॉपर 5 स्टार वाली मसाज रहती है कि प्रॉपर टावल से उसको कवर किया जाता है, जो जो पार्ट में मसाज करनी है उतना ही कपड़ा हटाया जाएगा, समझ रहे हो? तो भैया इसमें तो यार बड़ा प्रॉफिट रहता होगा। मतलब अगर इतने लोग मसाज के लिए आ रहे हैं, मसाज में पैसे भी खर्च करते होंगे लोग? मेरे 90 मिनट के 3500 रुपया फीस है। 3500? 3500 है। मेरा जो 4 मसाज रहती है एक ही सेशन में, जो 90 मिनट की मसाज रहती है, पहले होती है ड्राई मसाज, फिर होती है स्ट्रेचिंग जहाँ से मसल्स खुल जाए, फिर ऑयल मसाज, फिर बाद में होती है गन मसाज। भाई फिर वो कहते हैं कि यार 1500 रुपया लगाया है मसाज में, बट कुछ मिला नहीं है। मैनीक्योर पेडीक्योर वाले कैसे वो कवर कर लेंगे? उनको पैरों का पता है, उनको हाथों का पता है। जिस बंदे ने फुल बॉडी का एक्सपीरियंस करा हो वो फिर आपको प्रॉपर रिजल्ट ला के देगा। तो भैया इसमें फ्यूचर कुछ है क्या? फ्यूचर बहुत अच्छा फ्यूचर है। हाँ, मैं देखो मेल और फीमेल दोनों को सिखाता भी हूँ इसमें। अच्छा, सिखाते भी हो आप? हाँ, तो 6 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। आप 6 साल से यही कर रहे हो? 6 साल से कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि इसमें फ्यूचर है? हाँ फ्यूचर है। मतलब लोग स्ट्रेस हटाने के लिए मसाज करवा रहे हैं। तो अभी तक कितने क्लाइंट्स आ गए भैया आपके पास? अभी गुड़गांव में तो 150-200 के आसपास बन चुके हैं। उसमें ऐसा है कि फीमेल्स ज्यादा है, क्योंकि वो स्पा में नहीं जा सकती, इसलिए वो आपको घर बुला लेती हैं। वो घर बुला लेती हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग बीकॉम बीबीए? नहीं नहीं, उनका भी बहुत बड़ी वैल्यू है। मसाज का लाखों रुपए लगा के वैसे मसाज का कोर्स करो। पर हाँ यार भैया, कंट्रोल तो देखो है। ये तो देखने से लगता है ना कि भाई मजा, जैसे मेरे हाँ। जैसे आपने बोला ना कि मैं मसाज करता हूँ, मेरे दिमाग में पहले यही आया कि भाई साहब इतना मजा है भाई। पर भाई कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, अगर आपको एज अ प्रोफेशनल की तरफ ले जाना है। हाँ, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना भाई साहब?